सौतेली माँ और जादुई लहंगों का घर। बिहार के सासाराम में राधा अपनी सौतेली माँ अनीता और सौतेली बहन खुशी के साथ रहती थी। राधा जब एक साल की थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके पिता मनोहर ने अनीता से दूसरी शादी की थी। अनीता जब नई नई आई थी तब तो वो राधा से लाड प्यार करती, लेकिन जब उसके खुद की भी एक बेटी खुशी हो जाती है उसके बाद अनीता का व्यवहार राधा के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। अनीता राधा से अपने घर का सारा काम करवाया करती और बदले में उसे ठीक से खाना तक भी नहीं देती। मनोहर जब घर में होता तब तो वो राधा से प्यार करने का दिखावा करती, लेकिन उसके जाते ही अपना असली रंग दिखाना चालू कर देती। इन सब के बावजूद भी राधा और खुशी में बहुत प्यार था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अच्छा, आज इतने जल्दी महारानी को भूख लग गई? पहले जाकर घर का सारा काम कर, उसके बाद ही खाना मिलेगा। चल अब जा यहाँ से। राधा उदास होकर घर के कामों में लग जाती है। तभी चुपके से खुशी वहाँ आती है और राधा से बोलती है, दीदी ये देखो मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आपको बहुत भूख लगी थी ना, ये लो पहले जल्दी से खाना खा लो फिर काम करना। खुशी, ये खाना तो तुम्हारा है ना, मैं खा लूँगी तो तू क्या खाएगी? अरे दीदी कोई बात नहीं, मैंने अभी अभी फ्रूट खाए थे, मुझे भूख नहीं है, अब जल्दी से आप खाना खा लो। राधा को उस घर में अगर कोई प्यार करता था तो वो खुशी थी। खुशी की वजह से राधा अपनी माँ के इतने अत्याचार के बावजूद भी खुश रहती थी। अनीता को जब ये सब पता लगता है तब वो खुशी से कहती है, खुशी कोई जरूरत नहीं है इसके साथ ज्यादा बात करने की या खेलने कूदने की, समझ गई तुम? क्यों माँ, ये तो मेरी बहन है ना, फिर आप ऐसा क्यों बोलती हो? एक तो आप दीदी पर इतना अत्याचार करती हो, ऊपर से मुझे आप इनसे बात भी करने नहीं देती, आप बहुत बुरी हो माँ। इतना सुनकर अनीता अपनी बेटी खुशी को एक चांटा लगा देती है। इसके साथ रहकर बहुत जवान लड़ाना सीख गई है, आने दे तेरे पापा को बताती हूँ सब। हाँ हाँ बताओ ना, मैं भी आपके बारे में सब कुछ बताऊंगी, जो कुछ भी आप दीदी के साथ करते हो सब बताऊंगी। ये सब सुनकर अनीता आग बबूला हो जाती है। वो खुशी को किसी तरह अपने कमरे में भेज देती है और राधा के पास आकर उससे बोलती है, मेरी बेटी को मुझसे अलग करके तुझे तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई? मेरी गैर हाजिरी में मेरी बेटी का कान भर कर उसे अपने साइड कर लिया? अरे वो तो बच्ची है, उसको तो मैं किसी तरह संभाल लूंगी, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगी, तूने अच्छा नहीं किया। माँ मैंने क्या किया है? अच्छा तुझे पता ही नहीं तूने क्या किया है, अभी पता चल जाएगा। चल अब निकल मेरे घर से, तुझे मेरे घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, चल भाग यहाँ से। इतना बोलकर अनीता राधा को घर से बाहर निकाल देती है। राधा रोते रोते जंगल की तरफ निकल जाती है और एक पेड़ के पास आकर बैठ जाती है। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आज तुम होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरी मदद करो माँ। राधा को रोते देख बुलबुल परी को उस पर बहुत दया आ जाती है और राधा के पास आकर बोलती है, प्यारी बच्ची ऐसे नहीं रोते, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? फिर राधा परी को सारी बातें बताती है। अब बताइए परी जी मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। घबराओ नहीं राधा। इतना बोलकर बुलबुल परी अपना जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी घुमाते ही राधा के सामने लहंगों का एक खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। राधा ये जादुई लहंगे का घर तुम्हारे लिए है, इस घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, अब से तुम इसी घर में रहोगी और मैं तुमसे मिलने रोज आया करूंगी। इतना बोलकर बुलबुल परी वहां से चली जाती है और राधा उसी लहंगे के घर में रहने लगती है।
इधर खुशी को कई दिनों तक राधा नहीं दिखती, तब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है और वो अपनी माँ से बोलती है, माँ अब बहुत गंदी हो, आपने मेरी दीदी को घर से निकाल दिया ना, तभी मेरी दीदी मुझे बिना कुछ बताए यहाँ से चली गई। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, मैंने उसे नहीं निकाला, वो खुद ही ये घर छोड़कर चली गई। ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी दीदी मुझसे और इस घर से बहुत प्यार करती थी, तुम्हें ने उसे घर से निकाला है, तुम बहुत गंदी हो, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। तभी उधर से मनोहर भी आ जाता है। क्या बात है खुशी बेटा? देखिए ना पिताजी, माँ ने दीदी को घर से निकाल दिया, जब मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की तो मुझे भी माँ ने बहुत डांटा, माँ बहुत गंदी है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। अनीता क्या खुशी सच बोल रही है? मुझे सच सच बताओ। अनीता कुछ नहीं बोलती। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि खुशी ने जो कुछ भी कहा है वह सब सच है। हाँ पिताजी, माँ बहुत बुरी है, आपको पता है माँ दीदी से घर का सारा काम करवाया करती थी और उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। बस कर मेरी बच्ची, अब हमें इस घर में एक पल भी नहीं रहना। हाँ पिताजी चलिए, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, अब हम सब दीदी के साथ ही रहेंगे। इतना बोलकर दोनों जाने लगते हैं। अब जाके अनीता को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। आप सब मुझे छोड़कर मत जाइए, आप लोगों के बिना मैं इस घर में क्या करूँगी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैंने राधा के साथ बहुत बुरा किया, मैं राधा से मिलकर अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन आप लोग इस घर को छोड़कर मत जाइए। लेकिन मनोहर और खुशी अनीता की एक नहीं सुनते और वो घर छोड़कर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। राधा राधा कहाँ हो मेरी बेटी? दीदी दीदी कहाँ हो आप, देखो हम सब आपको लेने आए हैं। तभी खुशी को जंगल में एक लहंगे का घर दिखाई देता है, वो समझ जाती है होना हो उसकी दीदी जरूर वही है और वो सब वहाँ जाकर राधा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दीदी मैं आ गई आपके पास और अब मैं यहीं रहूँगी, माँ बहुत गंदी है, अब हम सब यहीं आपके साथ रहेंगे। हाँ बेटे मुझे माफ कर दो, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका। ऐसे नहीं बोलते पिताजी, और आप लोग ऐसे घर छोड़कर क्यों आ गए, माँ कहाँ है? तभी दरवाजे पर खड़ी अनीता भी ये सब सुन रही होती है और वो बोलती है, मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, घर चल मेरी बेटी, तुम सबके बिना वो घर घर नहीं है, और आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी खुशी तुम लोग माँ को छोड़कर ऐसे कैसे आ सकते हो, चलो माफी मांगो माँ से। तभी वहाँ बुलबुल परी आ जाती है और बोलती है, देख लो अनीता जिस बेटी को तुमने इतना सताया आज वही तुम्हारे लिए इतना सब कर रही है। ये सब देखकर अनीता अपना सर शर्म से नीचे झुका लेती है, वो सबसे अपने किए की माफी मांगती है। राधा के कहने पर सभी उसे माफ कर देते हैं। तब परी राधा से बोलती है, राधा अब तुम सब अपने घर जाओ, तुम्हें अब इस लहंगे की घर की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम सब अपने घर में जाकर मिलजुल कर खुशी खुशी रहो, मैं तुमसे हमेशा मिलने आया करूँगी, बाय बाय। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय दोस्तों।